आज हम लेकर आए हैं आपके लिए तीजा और बीजा की कहानी। दो ऐसी लड़कियां जिनकी शादी तो मजबूरी में हुई लेकिन प्यार मर्जी से। 12 और 12 24 कोस की दूरी पर दो बस्तियां बसी हुई थी। दोनों बस्तियों में दो साहूकार रहते थे। उनके बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों का सहरा साथ साथ बंधा और सीप में मोती भी साथ ही पड़े। दोनों साहूकारों ने तय किया कि वे अपनी बेटे और बेटी का विवाह आपस में करेंगे। कुदरत का खेल कि 9वें महीने एक ही नक्षत्र में दोनों घरों में जन्मी दो लड़कियां। कुछ तो दी हुई जुबान के नशे में और कुछ दहेज के लालच में एक सेठ बेईमानी कर बैठा। उसने नाई भेजकर दोस्त के गांव में अपने घर बेटे होने की बधाई पहुंचवाई। लड़की को लड़के की तरह पाला पोसा, कमर पर धोती, बदन पर अंगरखी और सर पर बंधेज का साफा। लेकिन जब जवानी जाहिर होने लगी तो माँ की चिंता बढ़ी। छोरी की छोरी से शादी कैसे हो सकती है? उसने अपने पति से खूब बहस की लेकिन सेठ जी अपने इरादे से टस से मस नहीं हुए। आखिर सेठानी बोली, कुछ तो सोचो, बेटी सेजो का नुकसान कैसे पूरा करेगी? सेठ के पास जवाब हाजिर था। पति के परदेश जाने पर समझदार बहुएं सब्र रखती हैं। बेटी की किस्मत बेटी के साथ ही है, कोई क्या करे। शादी खूब धूमधाम से हुई। 11 ऊंट और 20 बैलों से सजी धजी बारात गांव पहुंची। दुल्हा दुल्हन मंडप में बिठाए गए। दो नरम नरम हाथों का हथलेवा हुआ और सुहागरात एक दूसरे का चेहरा निहारते हुए नजरे भर भर पानी में बीती। अगली रात दुल्हन बैठी दूल्हे को पंखा कर रही थी। कमरे में गर्मी और उमस थी। गर्मी से परेशान दूल्हे ने अपनी अंगरखी उतार दी। पति का सीना देखते ही दुल्हन पलंग पर ढेर हो गई, बेहोशी की हाल में बरबराने लगी। तुम भी औरत हो, मुझसे यह किस जन्म का बदला लिया? पहली बार उसके पति को अपनी सच्चाई का पता चला। वो गिड़गिड़ाता हुआ माफी की भीख मांगने लगा। बहू भली और सयानी थी। पति को चुप करा, बक्सा खोला और एक शादी का जोड़ा निकाला। उसका श्रृंगार करती हुई बोली, आज से तेरा नाम बीजा और मेरा नाम तीजा। अगले दिन सेठ अपनी बेटी को लड़की के रूप में देख गुस्से से पागल हो गया। वह उन्हें घर से बाहर निकालते उसके पहले ही तीजा बीजा खुद ही निकल पड़ी। पलक झपकते ही बात गांव भर में फैल गई। दो औरतों की शादी, यह मर्द जात के नाम पर तमाचा है। तीजा बीजा गांव के पास ही एक हरी भरी सुनहरी पहाड़ी पर जा बैठी। दोनों एक दूसरे में मग्न थी। अचानक तेज बारिश होने लगी। तीजा बीजा का प्यार देख लहराती बिजलियां उनका रूप निखारने के लिए बार बार मचलने लगी। रात होने को थी। तीजा बीजा चलते चलते भूत वाली बावड़ी पहुंची। बादलों में आंख मिचौली खेल रहे चांद को देख वे मीठी मीठी प्यार भरी बातें करने में डूब गई। तभी भूतों का सफ़ेद सरदार उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। दोनों से गरजती हुई आवाज़ में बोला, तुम्हें गांव से निकाल तो लाया, अब तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा मैं। देखते ही देखते एक आलीशान महल खड़ा हो गया। तीजा बीजा बाहों में बाहें डाल महल में घुसी तो मानो स्वर्ग में पहुंच गई हो। भूतों के डर से महल की तरफ भूल कर भी कोई नहीं भटकता। किसी भी तरह के तनाव से दूर तीजा बीजा सुख चैन की जिंदगी बिता रही थी। लेकिन एक दिन अचानक बीजा के मन में एक ख्याल आया। वो तीजा से बोली, भूतों का सरदार मुंह मांगी इच्छा पूरी करता है, मैं उनसे यह वरदान मांगूंगी कि वो मुझे आदमी बना दे। तेरे साथ हुए धोखे का कलंक मिटाना चाहती हूँ मैं। तीजा बोली, मैंने तो उसे कभी कलंक माना ही नहीं, मैं सुखी हूँ। पर बीजा की उंगलियों में मूछों पर ताव देने वाली खुजली मच रही थी। तीजा को हार माननी ही पड़ी। भूतों के सरदार ने जब बीजा की बात सुनी तो वह भी राजी हो गया। सुबह होते ही बीजा एक भरपूर जवा मर्द बन गई थी। शरीर ही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मन और व्यवहार भी बदलने लगा। तीजा ना दिखती तो उसका पति जोर जोर से चिल्लाकर उसे पुकारता। उगते सूरज को देख उसे लगता कि सूरज मर्द के तप और तेज का ही रूप है, औरत तो बस उसकी छाया है। तीजा समझ नहीं पाई, अचानक बीजा इतना कैसे बदल गई।
परेशान होकर तीजा ने तय किया कि वो कुछ दिन अपनी बहन के घर चली जाएगी। वो बाहर निकली ही थी कि पति गरज उठा, मुझसे बगैर पूछे कहाँ जा रही हो? चोटी घसीटते हुए तीजा को भीतर ले जाकर उस पर टूट पड़ा, फिर बाहर से कुंडी लगाकर पागलों की तरह भटकने लगा। भटकते हुए वह उसी दिन वाली पहाड़ी पर जा पहुंचा। यहाँ उसकी आंखों के सामने उसी दिन का नज़ारा घूमने लगा, वही बरसात, वही बिजलियाँ, तीजा की सुंदरता, उसका रोम रोम बीजा बनने को तरप उठा। यह इच्छा होते ही उसका रूप बदल गया और फिर मिल गया उसे बीजा का रूप। बीजा महल की ओर भागी और तीजा को देखते ही बोली, तीजा तीजा, अपनी बीजा को पहचान? तीजा ने उसे निहारा, वही आंखें, आंखों में झलकता वही प्यार, वही कुमकुम सा नरम बदन, दोनों झट एक दूसरे की बाहों में कस गई। तो ये थी हमारी आज की कहानी।